राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई। आश्रय स्थल पर जगह जगह गायों के शव पड़े हुए मिले। आश्रय स्थल का वीडियो सामने आया है जिसमें जगह जगह गायों के शव पड़े दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाओं में गौवंश के साथ जो दुर्दशा हो रही है उसे देख हर किसी की आंखों में आंसू निकल पड़ेंगे। दरअसल राजधानी भोपाल में राज्य पशु चिकित्सालय स्थित आश्रय स्थल में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो गई है। आश्रय स्थल पर जगह जगह गायों के शव पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि 80 गायों की क्षमता वाले आश्रय स्थल में 152 गाय रखी गई थी। जिंदा और बीमार गायों के बीच ही मृत गायों के शव पड़े हुए हैं। इस मामले में नगर निगम प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी होने के बाद भी नगर निगम ने गायों के शव तक नहीं उठाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। गायों के आश्रय को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, गायों और उनके संरक्षण के नाम पर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई सेवा भाव नहीं है। यह सिर्फ भय भ्रष्टाचार पैदा करना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार सिर्फ राजनीति करने का काम करती है, और गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए कि उनकी कैसे सेवा करा जाए, वो भाव इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत ये है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गौ कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया। बड़े बड़े अभ्यारण्यों के नाम पर वोट ले लिए, बड़ी बड़ी बातों के नाम पे वोट ले लिए, सिर्फ वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और वो गौ माता जिसकी सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्व देश को सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बना दिया। इनके सारे समर्थकों के बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है। गौ माता को ये नहीं चाहते कि अच्छी व्यवस्था मिले, जबकि गौ माता की सुविधा होगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सड़कों पर कम होगी, गौ माता घायल कम होगी, किसान को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। पर यह सरकार की नीति नियत ना गौ माता के प्रति है ना किसान के प्रति है, सिर्फ वहां है जहां भय भूख और भ्रष्टाचार चला पाए। गौ माता की सेवा की जगह गौ माता को कब्रगाह में ले जाने का काम ये करते हैं। देखिए वो पैसा जो टोल नाकों से आ रहा है, क्योंकि टोल नाकों के लिए कुछ उन्होंने दिया था कि कर्मचारी गौ माता को गौशाला के अंदर नहीं ले जाएंगे, पर उनको भगाने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में डालने का काम करेंगे, ताकि उस टोल माफिया को कैसे संरक्षण दिया जाए। सरकार की नीति नियत सिर्फ माफिया तंत्र को है। वो पढ़े लिखे कर्मचारी क्या सिर्फ गौ माता को इधर उधर करने के लिए, वो बहन जो हमारी कहीं पटवारी होगी, जो बहन हमारी तहसीलदार होगी, क्या रात को जाके 10 बजे बाद वो कहीं ना कहीं गाय को हटाने का काम करेगी? उन माताएं बहनों की तो सोचे, उन गौ माता की सोचे। सीधी बात है कि सरकार माफिया तंत्र के साथ खेल रही है। स्लॉटर हाउसों के लोगों से इन्होंने गठबंधन कर रखा है, और कहीं ना कहीं गौ माता की हत्या रही है सरकार। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।